आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साउथ इंडियन स्पेशल एकदम खुशबूदार सांभर मसाला। सांभर मसाला आप घर पर अगर बनाएंगे तो एकदम सेफ तरीके से और खुशबूदार सांभर मसाला बनकर तैयार होगा। जब भी हमारा गर्मा गर्म सांभर खाने का मन हो, अगर सांभर मसाला होगा तो हम आसानी से गर्मा गर्म सांभर को इंजॉय कर सकते हैं। और एकदम अगर आप घर पर बनाएंगे तो ये बिल्कुल खुशबूदार बनकर तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी, सोनी फूड स्टाइल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सांभर मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन गैस पे रख दिया है और उसमें एक कप हम धनिया के बीज डाल लेंगे। इसे 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर हम अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और जब तक कि इसमें से अच्छे से खुशबू ना आने लग जाए। सभी मसालों को भूनना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू आने लगी है। सांभर मसाला अगर हम बना रहे हैं या कोई भी मसाला आप बना रहे हैं, उसको भूनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जिससे ये लंबे समय तक अच्छे से इनको स्टोर कर पाएंगे हम। अब उसी पैन में 1/4 कप हम उड़द दाल डाल लेंगे और 1/4 कप चना दाल डाल लेंगे और साथ ही साथ 1/4 कप तूर दाल यानी कि अरहर दाल। तो इसे भी हम भून लेंगे करीब करीब 3 से 4 मिनट, लो फ्लेम पर ही रखना है गैस को। इसमें से भी जब तक खुशबू ना आ जाए और कलर इसका चेंज ना हो जाए। देखिए दाल का कलर भी चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और अच्छे से इसे ठंडा कर लेंगे। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो इसकी खुशबू भी चली जाएगी और इसमें से टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। अब इसी पैन में 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हम मेथी दाना डाल लेंगे, 1 चम्मच यहाँ हम राई या सरसों जो भी हो आपके पास वो डाल लें, 4 मैंने यहाँ दालचीनी के टुकड़े लिए हैं करीब करीब 2 इंच के और 10 सूखी लाल मिर्च और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, इन्हें भी हम भून लेंगे करीब करीब 1 मिनट भून लेंगे। अब मैं इसमें 1 मुट्ठी भर के कड़ी पत्ता डाल रही हूँ, या मैं माप से आपको बताऊँ तो लगभग 1/2 कप है ये। इन्हें भी हम भून लेंगे करीब करीब 2 से 3 मिनट, जब तक कि पत्ते अच्छे से ड्राई ना हो जाएं। देखिए 2 से 3 मिनट मैंने इसे भून लिया है। अब इसमें हम 1/4 कप नारियल का बुरादा डाल लेंगे। नारियल का बुरादा डालने से बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी मसाले में और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी। तो इसे भी हम लगातार भून लेंगे चलाते हुए। साउथ इंडियन स्पेशल मसाला हम बना रहे हैं तो उसमें कोकोनट पाउडर डालना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि नारियल का बुरादा। 2 चुटकी हम इसमें हींग डाल देंगे, जिससे हींग का बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। सभी मसालों को मैंने अच्छे से भून लिया है और पत्ते एकदम ड्राई हो गए हैं। अभी इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और सभी मसालों को हम ठंडा कर लेंगे। देखिए मसाले मैंने अच्छे से ठंडे कर लिए हैं। कोई भी अगर हम मसाला बना रहे हैं तो उसमें से मॉइस्चर ख़त्म करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे हम मसालों को ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर पाएंगे। अब 1 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे और इनको अच्छे से हम पीस लेंगे। देखिए सभी मसालों को मैंने अच्छे से पीस लिया है। बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये मसाला बनकर तैयार हुआ है। एकदम पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू हो गई है। ऐसे ही सांभर मसाला आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसे बनाना और एकदम सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं और गर्मा गर्म सांभर को एंजॉय कर सकते हैं। तो लीजिए सांभर मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया है। जब भी आपका गर्मा गर्म सांभर बनाने का मन हो तो आपके पास अगर मसाला होगा तो आप झटपट इसे बना पाएंगी। बहुत ही ज़्यादा आसान है ये रेसिपी। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर पसंद आई हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।